नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं एमवाय आईपीएल एंड क्रिकेट गुरु जी के साथ। दोस्तों, दुनिया भर में टी20 लीग्स का एक क्रेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी बड़ी टी20 लीग्स हो रही हैं। साउथ अफ्रीका ने भी हाल ही में अपनी एक नई टी20 जिसे टी20 ग्लोबल लीग कहते हैं वो लीग शुरू की है। लेकिन क्यों बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को इजाजत नहीं दे रहा है इन लीग में खेलने के, एक बड़ा सवाल हम सभी लोगों के सामने है। इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। मैंने ये पता लगाने की बहुत कोशिश की है और कुछ हद तक ये पता लगाने में कामयाब भी रहा हूँ कि क्यों बीसीसीआई ऐसा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बिग बैश लीग ने 2008 के अपने पहले संस्करण के बाद, आईपीएल के बाद जब अपनी बिग बैश लीग शुरू की तो उसके पहले ही सीजन में इंडियन प्लेयर्स को ये इनविटेशन दिया था कि इंडियन प्लेयर्स आकर इस लीग में खेले। हालांकि बीसीसीआई ने उन्हें परमिशन नहीं दी थी, तभी से ये बहस छिड़ी हुई है। और दोस्तों, बीसीसीआई हमेशा से ये हर लीग के साथ ऐसा करता हुआ आ रहा है, लेकिन किसी को कारण समझ नहीं आ रहा है। दरअसल कारण बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आम है और पूरा खेल है पैसों का। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए बिग बैश लीग है और बिग बैश लीग में इंडिया के बड़े सितारे जैसे कि विराट कोहली, एमएस धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, ये बड़े स्टार जाकर खेलने लगते हैं। अभी ये खिलाड़ी इस लीग में जाकर नहीं खेलते हैं और कोई सी लीग में नहीं खेलते हैं, तो ये जो बिग बैश लीग है इसकी इंडिया से जो ऑडियंस है उसकी संख्या भी बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो इंडिया से ट्यून करते हैं और बिग बैश लीग देखते हैं। इससे पिछले साल की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग है उसे देखने वालों की संख्या ज्यादा थी बिग बैश लीग से। जाहिर है अगर इंडियन प्लेयर्स नहीं होंगे तो उस लीग को कोई देखेगा नहीं इंडिया में। लेकिन मान लीजिए बड़े सितारे जो कि इंडिया में एक तरह से स्टार के रूप में पूजे जाते हैं, ये जाकर उस लीग में खेलेंगे तो जाहिर है एक बहुत बड़ी ऑडियंस इंडिया से जाएगी, इस लीग को टीवी पर वॉच करेगी, इस लीग से जुड़ने की कोशिश करेगी, अपनी अपनी टीमों से जुड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि एमएस धोनी और जो विराट कोहली, सुरेश रैना, ये बड़े नाम है इंडियन क्रिकेट में। लेकिन जब ऐसा होगा तो इससे बीसीसीआई को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आ जाती है पैसों पे। क्योंकि जो स्पॉन्सरशिप है, जो स्पॉन्सर्स है, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, उसके अलावा दोस्तों मोबाइल की जो कंपनीज है, ओप्पो है, जो अभी इंडियन मार्केट पे उनकी नजर है, इंडिया की जो ऑडियंस है उस पर जुड़े हुए हैं और इसलिए वो इंडियन क्रिकेट में बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप देती है। ये सारे स्पॉन्सर्स में से बहुत सारे स्पॉन्सर्स बिग बैश लीग या अन्य लीग जहां पर भी इंडियन प्लेयर्स जाकर खेलेंगे उसमें भी अपनी स्पॉन्सरशिप देंगे। जाहिर है अगर जहां पर इंडियंस ऑडियंस पहुंच जाएगी वहां पर ये सारे स्पॉन्सरशिप भी जाकर अपनी स्पॉन्सरशिप दे देंगे। ऐसी स्थिति में इन लीग्स में बहुत ज्यादा पैसा जाएगा। जैसे बिग बैश लीग है जिसके अभी एक दो स्पॉन्सरशिप इन्हें मिलते हैं, टेलीविजन स्पॉन्सर की संख्या भी इनकी 4 से ज्यादा नहीं है, लेकिन जब इंडियन प्लेयर जाएंगे तो जैसे आईपीएल में लगभग 16-17 स्पॉन्सर है, ऐसे ही इनके पास भी स्पॉन्सर की संख्या बढ़ जाएगी। और ऐसी स्थिति में इनकी जो मीडिया राइट्स की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा होगा क्योंकि देखने वालों की संख्या बढ़ेगी। तो ऑन एंड ऑन होगा ये कि जो बिग बैश लीग है अगर इंडियन प्लेयर्स खेलते हैं तो इसकी जो कीमत है वो बढ़ेगी, इसका रेवेन्यू, इसके पास जो पैसा है वो बढ़ेगा और एट द एंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास पैसा बढ़ेगा। अब आप लोग यही से सोच रहे होंगे कि अगर बिग बैश लीग और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास पैसे बढ़ते हैं तो इससे बीसीसीआई को क्या दिक्कत है। दोस्तों, यहीं से दो दिक्कतें बीसीसीआई को पैदा हो जाती है। पहली दिक्कत यह है कि अगर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास पैसे ज्यादा जाएंगे तो फिर जो बीसीसीआई का दबदबा है, आईसीसी के अंदर जो बीसीसीआई ने अपना दबदबा बना के रखता है, 70% रेवेन्यू जो आईसीसी जनरेट करता है वो बीसीसीआई अपने पास रखता है और बीसीसीआई आईसीसी से मंगा लेता है, वो रेवेन्यू जो बीसीसीआई है वो नहीं ले पाएगा। बीसीसीआई का एक क्षेत्रीय जो दबदबा कहना चाहिए ना आईसीसी पे, वो दबदबा खत्म हो जाएगा और इसीलिए बीसीसीआई, ये पहला कारण है। दूसरा कारण दोस्तों और भी अहम हो जाता है और वो है इंडिया की प्रीमियर लीग, जिसे हम इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, उस पर खतरा हो जाएगा। पहला कारण तो बीसीसीआई की जो साख है वो कम होगी, दूसरा कारण आईपीएल पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर ये, जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो 16 स्पॉन्सर्स है और बहुत सारी संख्या है स्पॉन्सर्स की, क्योंकि अलग अलग टीम्स के अलग अलग स्पॉन्सर्स की संख्या है, अगर इनमें से बहुत सारे स्पॉन्सर इन विदेशी लीगों में जाकर स्पॉन्सरशिप देने लगेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए सीपीएल है, बिग बैश है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, टी20 ग्लोबल लीग है, यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स की संख्या बढ़ जाएगी तो ये स्पॉन्सरशिप जो एक जगह टारगेटेड है, अभी जो आईपीएल में टारगेटेड है, ये अब अलग अलग लीग्स में एक तरह से बिखर जाएंगे, एक अलग अलग लीग्स में जाके अपने स्पॉन्सरशिप देने लगेंगे। जाहिर है वहां पर स्पॉन्सरशिप के रेट्स भी कम है क्योंकि उनका जो मेन फोकस है वो साउथ अफ्रीका रहता है।
और इंडियन दर्शक उसे देखेंगे तो उनका काम भी हो जाएगा और उनका काम इंडियन प्रीमियर लीग से सस्ते में होगा। और फिर इंडियन प्रीमियर लीग के लिए दिक्कत हो जाएगी कि इंडियन प्रीमियर लीग के स्पॉन्सर की संख्या कम हो जाएगी और एट द एंड इंडियन प्रीमियर लीग के रेवेन्यू में गिरावटें आएंगी। इसलिए दूसरा कारण यह है क्योंकि आईपीएल ने भी अपने नियमों में लिख के रखा है, ना कि बीसीसीआई, आईपीएल ने भी अपने नियमों में लिख के रखा है कि कोई भी खिलाड़ी जो कि इंडिया में इंटरनेशनल क्रिकेट, आईपीएल और रणजी क्रिकेट खेलता है और वो इंडिया और बीसीसीआई में रजिस्टर्ड है, वो दूसरी लीग्स में जाकर नहीं खेल सकेगा और उसे उसके लिए एनओसी लेनी पड़ेगी बीसीसीआई से, जो कि बीसीसीआई कभी देता ही नहीं है। मुरली कार्तिक ने एक बार ऐसी एनओसी मांगने की कोशिश भी की थी। तो दोस्तों दूसरा कारण यह है कि इससे आईपीएल की साख भी कम होगी और आईपीएल में पैसा भी कम होगा, जो कि आईपीएल अभी दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है, वो फिर शायद भविष्य में ऐसी ना बचे अगर इंडियन प्लेयर्स विदेशों में जाकर खेले। तो दोस्तों अभी तो ये दो कारण सामने आए हैं, लेकिन तीसरा कारण और वो बहुत बुरा है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी बाहर जाकर नहीं खेलते हैं तो उससे इनको नुकसान भी बहुत सारे होते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान इंडियन प्लेयर्स को ये होता है कि जो पिच है, प्लेयर्स के बारे में जानकारी जो रहती है, जैसे कि दूसरी खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका के लोग हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, वो यहाँ आकर दो महीने क्रिकेट खेलते हैं, उन्हें पिचों के बारे में जानकारी होती है, उन्हें प्लेयर्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। ऐसी स्थिति इंडियन प्लेयर्स के साथ नहीं होगी अगर वो विदेशों में लीग जाकर नहीं खेलेंगे, वो कंडीशंस के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हमने देखा होगा कि जब भी टीम इंडिया इंडिया में खेलती है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन देता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाकर क्रिकेट खेलने की बारी आती है तो प्रदर्शन में गिरावट साफ तौर पर देखने को मिलती है। उसका कारण भी यही है कि विदेशी लीगों में एक पर्सपेक्टिव ये देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों आप यही सोच रहे होंगे कि हाँ यार सही है, इंडियन प्लेयर्स को नहीं जाना चाहिए, इससे बीसीसीआई और आईपीएल की साख गिरेगी और आईपीएल में पैसा कम होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बीसीसीआई है ये कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है, इसमें जो भी पैसा आता है ये कोई गवर्नमेंट को और जो टैक्स पेयर्स है उनको नहीं मिलता है। ये जो पैसा आता है ये पैसा एक ऑटोनॉमस बॉडी जो कि बीसीसीआई उन्हें मिलता है। हालांकि क्रिकेट की डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन हमें मालूम है कि इंडिया में क्रिकेट कितना डेवलप्ड हो चुका है। तो बेसिकली ये जो पैसा है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी, एक ऑटोनॉमस कंपनी के द्वारा कंपनी को दिया जा रहा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई ने ये कहा था कि जो बीसीसीआई है वो एक ऑटोनॉमस कंपनी है और वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, क्योंकि जब उस समय ये आर्ग्यू किया गया था कि बीसीसीआई को गवर्नमेंट के अंडर में आना चाहिए। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि जो बीसीसीआई है वो अपना फायदा देखने के लिए, अपने पैसों का फायदा देखने के लिए पहले तो प्लेयर का नुकसान कर रही है, क्योंकि अगर प्लेयर दूसरी लीगों में जाकर खेलेगा तो उसे वहां पर भी पैसा मिलेगा, दूसरी बात उसे एक्सपोजर मिलेगा, उसे कंडीशंस को जानने का मौका मिलेगा, दूसरी बात व्यूअर्स का नुकसान कर रही है, हम सभी का भी इससे नुकसान है, क्योंकि जब हम सब लोग इस लीग्स को यहाँ पर दूसरे देशों की लीग को भी जब हम देखेंगे तो हमें मजा आएगा। जाहिर है क्रिकेट देखना किसे बुरा लगता है, और इंडियन प्लेयर्स को जब हम ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग और साउथ अफ्रीका की T20 लीग में देखेंगे तो हमें भी मजा आएगा। तो दोस्तों ये दोनों काम बीसीसीआई कर रहा है। अब आप ही सोचिए, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा आपको बीसीसीआई का रवैया। आप ऊपर दिए गए कार्ड को क्लिक करके वोट भी कास्ट कर सकते हैं और ये जानने की कोशिश भी कर सकते हैं यस और नो में कि क्या बीसीसीआई को इजाजत देनी चाहिए इंडियन प्लेयर्स को विदेशी लीगों में खेलने के लिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।